अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान लेके आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे कि डेली आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, कुछ लेटेस्ट कुछ डिफरेंट करने का हमेशा से जो है वो कुछ ना कुछ जज्बा जो है वो रहता ही है, और पूरी टीम की मेहनत के साथ एक अच्छा सा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए करने में कामयाब भी हो जाते हैं। पहली तो बात ये कि ये एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, इससे इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचती है उसमें बहुत सारे आपके मसाइल हल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है उनका सलूशन मिलता है जो इन प्रोसेस एक्ट कर रही हैं या सरवाइव कर रही हैं, बट लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उठाकर उस पर प्रोग्राम करती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि आप तक वो बात पहुँचे जो आपकी प्रॉब्लम है और आपको उसका सलूशन मिल जाए। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से है, बहुत से वालदैन इस वक्त जो है वो किताब और निसाब के चक्कर में हैं। अभी आपको पता है कि हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटिव रहा कि हम जो है वो सिलेबस देंगे या हम किताब देंगे या जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे वो प्रॉपर होगा, एक जैसा होगा। तो क्या इस दौर में इस टाइम में जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो करिकुलम एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई, जो इंट्रोडक्शन का जो है वो स्टार्ट हो गया, क्या वो सही है? क्या इस पर जो है वो वालदैन और एजुकेशनिस्ट मुत्तफिक है? क्या उन एजुकेशनिस्ट को बीच में ऐड किया गया, या फिर आज की एजुकेशन से आज का जो एजुकेशनिस्ट है वो कितना मुतमईन है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पाकिस्तान की बहुत अच्छी अहम पर्सनैलिटी जो इस वक्त एज एजुकेशनिस्ट काम भी कर रही हैं और साथ ही डायरेक्टर हैं एसटीपी की, डेवलपमेंट्स करती हैं, क्या मामलात क्या हालात जो है वो हो रहे हैं, जिस तरह से आगे चलना है करना है एजुकेशन में, आगे मज़ीद किस किस किस्म की जो है अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदफ रब्बानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू योर प्रोग्राम, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू टू। अच्छा जी, ये बताइएगा कि अभी एजुकेशन का जो सिस्टम है, देखें अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम हमारे माशरे का एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हमारा फोकस ही नहीं है। कैसी बात है, हमारा ये अलमिया है पाकिस्तान का कि हम इस पर सोचने की बजाय या काम करने की बजाय, आप जैसे इतने अच्छे एजुकेशनिस्ट हमारे पास मौजूद हैं तो हम उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते या इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा क्यों नहीं किए जाते? बहरहाल जी, एक कदम है, देखते हैं कि आगे इसमें से जो है वो लोगों के लिए और मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम से आप ख़ुद मुतमईन हैं? नबीहा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एजुकेशन सिस्टम मेरा ख़्याल है कि जब से हमारे मुल्क का जो है वो पैदाइश हुई है 1947 से, अब तक वही पुराना स्टाइल, वही पुराना तरीक़ाकार पढ़ाने का प्राइवेट स्कूल में भी और पब्लिक स्कूल में भी राइज है। बिल्कुल, मैं उन प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करी जो कि वक्त के साथ चल रहे हैं या जिनके पास जो है वो अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ हैं। वो तो मुख्तसर हुए ना। एग्जैक्टली हाँ। मैं उन स्कूलों की बात कर रही हूँ जो स्कूल उसी एक सिस्टम का हिस्सा है जिसका हम भी पार्ट रहे हैं, जिनकी क्वांटिटी है। एग्जैक्टली, आपने भी इसी सिस्टम से पढ़ा, मैंने भी इसी सिस्टम से पढ़ा। मेरे पास थोड़ा सा फॉर्चुनेट बैकग्राउंड ये है कि आई विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज इन माई अर्ली चाइल्डहुड, और मैंने दूसरे स्कूल्स और दूसरे सिस्टम्स और दूसरे ममालिक के जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया तो मुझे पाकिस्तान आने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही थी कि मुझे ये क्लास में कहा जा रहा था कि जी ये पढ़ लो, ये याद कर लो, टेस्ट कर लो, नंबर ले लो। सही। तो मेरा ये क्वेश्चन था व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, आई वाज इन ग्रेड 6, और ग्रेड 6 आपको पता है एक बड़ा बच्चा होता है 12-13 साल का जो सोच रहा होता है, जिसके जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और जो फॉरेनर कंट्री के बच्चे होते हैं आप देखिए वो वैसे बड़े इंक्विजिटिव से होते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं ये क्यों है, ऐसे क्यों है। तो मेरी नेचर भी कुछ वैसे ही डेवलप बच्चों की जो है बचपन से जो उनकी एक एस्टेब्लिशमेंट है या उनकी ग्रोइंग एज से जो उनको सिखाया जाता है ना वो ऐसे ही होता है कि वो सवाल करें ताकि वो कुछ सीख सकें। एब्सोल्युटली, लेकिन यहाँ पे कल्चर बिल्कुल फ़र्क था। अगर मैं क्लास में खड़ी होकर टीचर से कोई सवाल पूछ रही हूँ कि मिस मुझे ये समझ नहीं आया, तो मेरी अपने साथ दाएँ या बाएँ बैठे हुए स्टूडेंट ने मुझे खींच के बिठा देना कि बैठ जाओ, तुम सवाल करने की जरूरत है, तुम पूछोगी तो टीचर शुरू हो जाएंगी या फिर हमें डांट पड़ेगी, और ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इन मसाइल की वजह से मुझे ये फील हुआ कि मुझे सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक, रट्टे लगाने पड़े, विच वॉज नो वेयर इन माई अंडरस्टैंडिंग के रट्टे का क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए मेंटल टॉर्चर से बहुत गुजरे। सही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिर्फ मेमोराइज की एंड द टाइम पेपर पे मार्क्स, जिनकी आदत भी नहीं थी, जिनकी आदत भी नहीं थी, और जिस वक्त वो पढ़ाया जा रहा था उसकी समझ नहीं थी, समझ नहीं थी।
तो इस वजह से आई पर्सनली फील कि आजकल का जो बच्चा नेचर वाइज इंक्यूजिटिव ही पैदा हो रहा है, उसके पास इतनी डिवाइसेज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है कि वो किसी भी सवाल का जवाब अपने पाम ऑफ हैंड में लेके फिर रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम क्यों उसको उसी पैटर्न पे जो है इवेल्युएट कर रहा है, उसी पैटर्न पे असेस कर रहा है जिस पैटर्न पे उसके ग्रैंडफादर ने जो है वो एजुकेशन हासिल की थी। आपने इसके लिए क्या किया, आपने इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो क्या स्टेप्स लिए, क्या उन स्टेप्स को माना गया, उन स्टेप्स पे जो है इम्प्लीमेंटेशंस हुई या अभी इन प्रोसेस हैं या आने वाले टाइम में हम मुस्तकबिल क्या देखते हैं? गवर्नमेंट ने जो इस वक्त इनिशिएटिव लिया है सिंगल नेशनल करिकुलम का, आई थिंक एज एजुकेशनिस्ट वी ऑल आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, ये कि बहुत अच्छा स्टेप है। इशू ये है कि हमारे यहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इतने हॉचपॉच से स्टेप्स उठाए जाते हैं जिसकी वजह से एक अच्छा डिसीजन भी जो है वो इतना डस्ट में चला जाता है कि उसके ड्रॉबैक्स जल्दी नज़र आने लग जाते हैं एंड देन थिंग्स गो रैप अप के नीचे, ये तो मामला ख़त्म कर दें, ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करा है। सही। एजुकेशनिस्ट के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा स्ट्रगल वो ये है कि दिस इज़ अ गुड स्टेप, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, वी ऑल वॉन्ट टू डू इट, बट द वे वी आर गिवन सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट अप टू दैट मार्क एंड द गवर्नमेंट मोस्टली द बोर्ड्स आर गोइंग इन अ सेपरेट डायरेक्शन जिसकी वजह से हमारा उनके साथ ये कम्युनिकेशन क्लैश आ रहा है कि एक अच्छे स्टेप को अच्छे तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चीज़ें आती हैं इम्प्लीमेंटेशंस में आती हैं लेकिन उसमें जो जाहिर है कि काबिल लोग हैं, जानते हैं, चीज़ों को मानते हैं, उनको पता होता है कि इसमें और मज़ीद चेंजिंग्स होने वाली हैं या ये अगर ऐसे नहीं ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर है, पहले से क्यों ग्रुप ऑफ एजुकेशनिस्ट बीच में ऐड नहीं किए जाते, उनसे मशवरा क्यों नहीं लिया जाता या जिनसे मशवरा लिया जाता है वो इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं कि जिससे दूसरों को जो है वो एतराज़ खड़ा हो जाता है, ये क्या मामला है? जब आप गवर्नमेंट फॉर द पीपल वाली बात करते हैं तो अगर हम लोगों को एज एन एजुकेशनिस्ट बिठा के ये प्लेटफॉर्म पे हमें लिया जाता बिकॉज बिल्कुल ठीक 90% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विलिंग टू चेंज द सिस्टम एंड स्पेशली द एजुकेशन सिस्टम, उसमें से एक आपकी बहुत बड़ी क्रीम है जो कि इन सीटों पे पिछले कई सालों से एफर्ट्स भी कर रही हैं, अपनी इनपुट भी दे रही हैं और उनका जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च है तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा देखा गया आइदर वो वन साइडेड का देखा गया या डिसीजन मेकर्स ने जो है वो पिक्चर की दूसरी साइड ने ली बिकॉज स्कूल्स को और एकेडमिक्स को बहुत हद तक अगर आपके भी नॉलेज में होगा कि वर्ड माफिया की टर्म इस्तेमाल की जा रही है बड़े अरसे से कि जी ये फीस बहुत ले रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ठीक है देर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू वन सिचुएशन हियर, प्रोसेस है एग्जैक्टली, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी और अगर वो गवर्नमेंट आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करी तो फिर प्राइवेट सेक्टर व्हेन जंप्स इन तो वो तो फिर अपने आप को पता है स्ट्रगल करेगा तो वो उस पर रिजल्टेंट मांगेगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि व्हाई ओनली द प्राइवेट सेक्टर इज रेजिंग अप इट्स बार, गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक स्कूल्स को भी ऊपर लेके आए, हमारे बच्चे उतने ही इंटेलिजेंट उस सेक्टर में भी हैं जितने इंटेलिजेंट प्राइवेट सेक्टर में, तो वी वांट कि हम अपनी सर्विसेज, अपनी सपोर्ट, अपना एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें एंड वी यू नो पुश दिस गुड एफर्ट फॉरवर्ड टुगेदर रादर देन कि हम इसमें से एक सेक्शन साइड पे कर दें कि नहीं जी ये प्राइवेट बच्चों के लिए, ये ओ लेवल्स के बच्चों के लिए, ये पब्लिक सेक्टर के लिए, वी डोंट वांट दैट, एजुकेशनिस्ट डोंट वांट दैट, वी वांट स्टेबिलिटी एंड वी वांट कंसिस्टेंसी इन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जरूरी है, वक्त की डिमांड है, आने वाला टाइम जो है जहाँ पर हम लीड कर रहे हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है वहाँ पर हमारे बच्चे कहाँ सर्वाइव करेंगे, जहाँ पर जो है वो इतनी तरक्की हो रही है, दुनिया जो है तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, दुनिया चांद से ऊपर जो है वो पता नहीं कहाँ घर बसाने की बातें जो है वो शुरू हो गई हैं, मामला और हालात ये हैं कि अब जो है वो गाड़ियों की जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई, ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो आप एक रिमोट कंट्रोल पे जो है वो हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे बच्चे आईटी सेशन में इतने पीछे रह चुके हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि आगे वर्ल्ड कहाँ तक पहुँच गया है, बच्चे कहाँ तक तरक्की कर गए हैं, वो इसी वजह से है कि हमारा गवर्नमेंट सेक्शन अलग है, हमारा प्राइवेट सेक्शन अलग है, हम दोनों बच्चों को कभी मिक्स नहीं करते, प्राइवेट सेक्शन के बच्चों की आप तमीज़ अदब लिहाज देख लें वो डिफरेंट है और गवर्नमेंट स्कूल से निकलने वाले बच्चों को जो है वो आप देख लें वो अलग, ये क्या प्रॉब्लम है, ये कब सॉल्व होगा ये मसला? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब हम सोसाइटी में मौजूद गैप्स को मैनिपुलेट करते हैं,
जब हमारी गवर्नमेंट उस लेवल की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकी जो हमारे बच्चों का राइट थी, क्योंकि उन्होंने इस ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कम्पीट सब एक जैसा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ते? हाँ जी, गुड क्वेश्चन. सब एक जैसा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, दो, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक है करिकुलम और एक है उसका उससे अलाइंस सिलेबस. ठीक है जी. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बेसिक कॉन्सेप्ट हियर, क्योंकि मुझे जो पेरेंट्स या जो भी इस वक्त लोग सुन रहे हैं, उनका मसला है कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, तो जब हम वर्ड नेशनल की बात करें, दैट मीन्स एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड, राइट? सो दिस कन्फ्यूजन शुड बी क्लियर दैट करिकुलम एंड सिलेबस आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक. करिकुलम इज द आउटलाइन, अ बाउंड्री, कि इसके अंदर रहकर आपने ये एक्टिविटी करनी है, राइट? There are set of activities, there are set of SLOs which are called student learning outcomes, और उन outcomes के ज़रिए आपने इस society के बच्चों को form करना है. बिल्कुल ठीक है. अब वो बच्चे जो जिस society का हिस्सा हैं, उसके बहुत सारे sections हैं, provinces कह लें आप, culture कह लें, whatever you want to say. Now syllabus जो होता है, कोई भी, either you or me, if I am an educationist and I have served my 20 years in education and I think कि नहीं, मेरे पास एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं मैथमेटिक्स की क्लास 5 के बच्चों के लिए इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई वुड राइट अ बुक, राइट? ठीक है, राइट. वो बुक लिखने के लिए मुझे जो गाइडलाइन चाहिए होगी कि मुझे 5 के बुक बच्चे के लिए क्या मटेरियल तैयार करना है, वो उसके लिए आई विल रेफर टू द करिकुलम. ठीक है जी. मैं ये नहीं कर सकती कि मैं 4 का कंटेंट 5 में डाल दूं, या अपनी बुक को ज्यादा वेटेज देने के लिए या सोसाइटी में एक इंप्रेशन बनाने के लिए 6 या 7 का कंटेंट डाल दूं. सही. That will not fit in. Exactly. अच्छा भी नहीं है. So exactly अच्छा भी नहीं, क्योंकि बच्चे करिकुलम जो डिज़ाइन होता है वो एक प्रॉपर मतलब पूरी रिसर्च और स्टडी के साथ डिज़ाइन होता है, और पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि क्लास 5 के बच्चे के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है, क्या चीज़ उसके लिए उसके बार से या उसके लेवल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर की है. तो जब यहाँ पे आपको इतना सा डिफरेंस पता चल जाएगा कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यही तो डिज़ाइन नहीं कर पा रहे. हम ये डिज़ाइन बिल्कुल कर पा रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है. वी हैव वेरी क्यों हम बच्चों के लेवल पे उनको, आप ये देखें, छोटे बच्चों को देख लें, आप मॉन्टेसरी क्लासेस को ले लें जी, हम 4th-5th की तरफ जो है वो नहीं जाते, उनको जो सिलेबस लगाया गया है वो इतना हैक्टिक और उनके लिए परेशान कुन है. एक छोटा बच्चा जो भी ABC लिखना सीख रहा है, 1-2 लिखना सीख रहा है, उसका सिलेबस इतना हाई है कि उसको जो है वो एकदम से उस पर इतना बोझ डाल दिया जाता है, इतनी उसकी जो है वो बुक्स हैं. जबकि अगर आप बाहर देखें, आप पढ़ी हैं, वहाँ से आपका सारा जो है वो सेटअप है, वहाँ तो बच्चों को जो है वो खेल खेल में सब सिखा दिया जाता है. वहाँ तो एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी होती हैं कि उसी में जो है वो ABC याद हो जाती है, उसी में 1-2 याद हो जाती है. यहाँ जी कायदों पर जो है वो निशान लगाए जाते हैं, उन पे डेट डाली जाती है, बकायदा साइन किए जाते हैं, वो सारी बुक का भी आप जो है वो एक हुलिया बदल देते हैं, और उस पर इतनी तारीखें डली होती हैं कि वो तारीख पर तारीख के अल्फाज सामने आ जाते हैं. तो ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो आप कह लें एरिया है, वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मैं चूँकि बिगर पर्सपेक्टिव पे बात करी, मैं प्राइवेट सेक्टर की पर्टिकुलरली बात नहीं करी. प्राइवेट सेक्टर ने इस चीज़ को सोचा, देखा, इम्प्लीमेंट किया कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन आपके बच्चे की उन 2-3 सालों की नॉन फॉर्मल एजुकेशन में होती है, वो इट रिफ्लेक्ट्स द इंटायर लाइफ ऑफ द चाइल्ड. कि बच्चा जितना उसकी लर्निंग की इंक्विजिटिव होगा, जितना उसको सवाल करने की आदत होगी, पूछने की आदत होगी, खुद से एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने की आदत होगी, उतना बच्चा अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जो है वो एक्सेल करता है. दिस इज़ वेरी नेचुरल. और वी बीइंग पेरेंट्स एंड एडल्ट्स, हम देखते हैं कि जो बच्चा बचपन से बड़ा शरारती होता है, एक तो शरारती को भी हम नेगेटिव में लेते हैं ना. शरारती मीन्स बच्चा हु यूजेस हिज ब्रेन, चाहे वो नेगेटिव में यूज़ करे, पॉजिटिव में यूज़ करे, दैट इज़ द इंटरवेंशन ऑफ द एडल्ट, आइदर द पेरेंट और द टीचर, कि उसको थोड़ी डायरेक्शन दे दे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, आओ मिल के करते हैं. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, पहले करिकुलम में था ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. ठीक है. स्टेट ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब है उसको पहले दिन ही आते ही पेंसिल पकड़नी आ जाए, कॉपी पे लिखना आ जाए, उसको हर चीज़ आ जाए. दिस इज़ नॉट द फैक्ट. द एक्चुअल टर्म रिसेंटली जो कि इमर्ज हुई है, इट इज़ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड
केयर इन एजुकेशन, दैट मींस प्रोवाइड द प्रॉपर केयर एग्जैक्टली व्हिच इंक्लूड्स देयर सेफ्टी, देयर हेल्थ, देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, देयर इमोशनल डेवलपमेंट, देयर सर्वाइवल इन सोसाइटी. एग्जैक्टली, जो आपके सर्वाइवल स्किल्स हैं, सोसाइटी के एक हिस्सा बनने के स्किल्स हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज ईयर्स. राइट, वी शुड फोकस ऑन दैट. और ये ज़रूरी है. अच्छा, माँ बाप की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो वालदेन हैं वो भी बच्चों के सिलेबस और करिकुलम इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं. इसको थोड़ा सा आसान करके हम कैसे समझा सकते हैं, और ये सिलेबस जो है वो कब सबके लिए एक जैसा जो है वो आएगा, कि जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो भी वही पढ़ रहा है, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो भी वही पढ़ रहा है. ये क्या मुश्किल काम है? ये तो बहुत आसान काम है. मैं तो नहीं समझती कि इसमें कोई मुश्किल या करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अगर उसी तरह जो है वो तालीम से रास्ता हो जिस तरीके से जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. इसमें क्या, इसमें फीसेस कहाँ से आ जाती हैं, इसमें मामलात कहाँ से आ जाते हैं? क्या बच्चों को सिखाने के लिए पैसा भरना पड़ता है तब बच्चे जो है वो तमीज़दार बनते हैं या तालीमी याफ्ता बनते हैं? ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लिए हमने? नबीहा, असल में प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो ये भी है कि जिस तरह अगर आपके भी फैमिली में या सर्कल में कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो कि अच्छे अच्छे स्कूल्स में काम कर रहे हैं, उन स्कूल्स में आपको पता हो कि एक रूटीन है टीचर ट्रेनिंग की. सही, बिल्कुल. वो इतनी रिगरस टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं आपको, साल में 2-3-4 दफ़ा आपकी वो अपग्रेडेशन करते हैं, नया क्या हो रहा है उस पर आपको, एंड ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट मनी. सही, क्वालिटी की ट्रेनिंग देने के लिए आपको क्वालिटी का ट्रेनर चाहिए, और क्वालिटी का ट्रेनर आपको अच्छी खासी एफर्ट के साथ और उसके साथ मिलता है, अच्छी खासी फीस के साथ मिलेगा. एग्जैक्टली, फीस के साथ मिलेगा. आई डोंट वांट टू मेंशन दैट. लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसमें अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा. इस वक्त भी ऑल्दो कि करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट जो है उसको बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो पुश कर रही है स्कूलों को, लेकिन स्टिल द पीपल हु आर कमिंग टू इन्वेस्टिगेट एंड टू चेक कि इस स्कूल में करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द बुक. सही. नाउ एज आई डिफाइंड अर्लियर कि करिकुलम में और टेक्स्ट बुक में फ़र्क होता है. टेक्स्ट बुक जो है वो करिकुलम के मुताबिक लिखी जाती है. अब करिकुलम के मुताबिक सिर्फ उसी किताब को टेक्स्ट बुक का वर्ड मिलता है बिकॉज द चाइल्ड विल बी असेस्ड ऑन दोज SLOs. इसके अलावा बच्चा अगर आप कहीं से भी कुछ सिखाना चाहें, रीडिंग सिखाना चाहें, कलरिंग सिखाना चाहें, आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट यंगर वंस आल्सो या प्राइमरी बच्चों की, इसके अलावा अगर आप कोई भी उनको स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, ऑल द अदर बुक्स आर नोन एज SRM, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल. आपको पता लगता है आपके बच्चे की रीडिंग कमज़ोर है, आप डिफरेंट रीडर्स ले आते हैं. ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक ऐसे नहीं होती. टेक्स्ट बुक में सेग्रीगेशन नहीं होती. टेक्स्ट बुक में हर स्किल को उसका ड्यू वेटेज दिया जाता है ताकि बच्चा हर स्किल से थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो सके. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हमने करिकुलम तो इम्प्लीमेंट कर दिया, टीचर्स को आनंद फानंद ट्रेनिंग भी दे दी, लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट कि वो टीचर जो क्लासरूम में खड़ा है वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा पिछले 20-25-30 साल से जहाँ से वो भी रट के आया है. सही. तो माय क्वेश्चन विद द अथॉरिटीज हेयर इज कि अगर आप उस टीचर को एक हफ्ते की या चले एक महीने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं बिल्कुल, आप उस टीचर के जो 20 साल के कॉन्सेप्ट्स का गैप है उसको कैसे कवर करेंगे? बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई वेंट टू अ पब्लिक स्कूल फॉर अ विजिट फॉर माई सेल्फ ड्यूरिंग माई स्टडीज, एंड देर वॉज अ टीचर फॉर ग्रेड 4 जो इसने मुझे अपना तारुफ करवाया कि जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है सोशल स्टडीज में, और इट वॉज अ क्वाइट अच्छा सा उसका फीडबैक था, एंड देन आई वॉज इम्प्रेस्ड, शी लुक्ड वेल ड्रेस्ड ऑल्सो. लेकिन जब उसने लेक्चर दिया क्लास 4 को, तो वो पूरा लेसन उसने बहुत अच्छी तरह बोर्ड इस्तेमाल किया, वो सोलर सिस्टम पढ़ा रही थी, उसने बड़ा खूबसूरत ड्रॉ किया, एंड द इंटायर लेसन शी केप्ट ऑन सेइंग अर्थ इज अ प्लैनेट एंड सन इज अ स्टार, मतलब जो उससे एक्सप्लेनेशन दी. ठीक. सारे लेक्चर के बाद मैंने उसको कहा कि ऐसा करो, आप बच्चों को स्टार और प्लैनेट का डिफरेंस तो क्लियर कर दो ना, उनकी उनकी जबान में उनको ये पता नहीं, उन्होंने यस मिस करके रट लिया, जवाब भी आपको दे दिया. सही. तो उससे मुझे कहा कि जी मुझे नहीं मालूम. मैं कहा ऐसा करो, फिर टू फैसिलिटेट हर, मैं कैसे करो, आप उसको उनको सितारे और सैयारे का फ़र्क बता दो. आई यूज़ द मदर लैंग्वेज, या आप कह लें कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, मैंने उर्दू में बोला. उससे कहा जी आई एम सॉरी मिस, मुझे नहीं मालूम कि सितारे और सैयारे का क्या फ़र्क होता है. एंड आई वॉज शॉक्ड
कि तुम मास्टर्स करके आई हो और बच्चों को पढ़ा रही हो और इतना मेन छोटा क्लास ये है वो रट्टा जिसकी आप बात कर रही हैं। एग्जैक्टली तो जब बच्चे टीचर को ही नहीं मालूम, अब एक महीने की ट्रेनिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने दी है टीचर्स को, आई एग्री कि दी होगी, टोटली दी होगी, लेकिन हाउ टू इंश्योर कि वो एक एक एसएलओ, एक एक कॉन्सेप्ट टीचर का अपना भी क्लियर हुआ है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा डिबेट चल रही है कि जी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। एग्जैक्टली इस वक्त मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बहस चल रही है कि जी उर्दू में पढ़ाएं या इंग्लिश में पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। माय क्वेश्चन एज अ टीचर इज, मीडियम आप जो भी लें, उस इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है? हाँ, आपको पता कितना है, आपको कितना पता है, और अगर बच्चा आपके आपसे एक चीज सीख रहा है और सीखने में वो क्वेश्चन कर लेता है कि अगर वहीं से क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर कहता है जी मुझे नहीं पता जी ये आप क्या प्लैनेट कर रही है, मुझे एक्सप्लेन कर दें, टीचर का उस वक्त क्या रिस्पॉन्स होता? टीचर कहती तुम्हें नहीं ना पता, बस याद कर लो, बैठ जाओ जैसे मैंने कहा वैसे याद कर लो। बिल्कुल सही। एंड दैट end of story. This is what we want to change. Maybe that child will grow up to become an astronaut or a scientist. यहाँ से थोड़ा सा ट्रिगर अगर उसको मिल जाए तो, सो हाउ विल वी इंश्योर दैट वी सडनली इम्प्लीमेंट द करिकुलम? हम कह रहे हैं जी बच्चे कंसेप्चुअल लर्निंग करें, फाइन, ग्रेड वन का बच्चा कंसेप्चुअल लर्निंग करे, ग्रेड फाइव का बच्चा कंसेप्चुअल लर्निंग करे, ऑल ऑफ अ सडन दिस अ गैप ऑफ 4 years, वो कैसे कवर होगा? वन से इम्प्लीमेंट करें, नेक्स्ट ईयर 2 में आए 3 में आए, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन। We are requesting, do not disturb the foundation. All of a sudden, इतना बड़ा झटका मत दें. Let it go gradually. We are all with you in it, but give it the due time. क्योंकि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और एक साल के कोरोना के गैप की वजह से बिल्कुल वैसे ही they have lost it, totally lost it, and they are lost. In fact, all over the world ये चीज कही जा रही है कि ये जो कोरोना में इस COVID-19 में जो loss हुआ, एजुकेशन का जो लॉस हुआ, ये हम इसको कवर नहीं कर सकते, अगले कई सालों तक नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए फिर पाकिस्तानी जो ऑलरेडी एजुकेशन में इतना पीछे हैं, कहने में कोई मजायका या कोई हर्ज तो नहीं है, हम पीछे हैं बिल्कुल हैं, और बहुत दुनिया आगे निकल चुकी है, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है अभी तक हम डेवलप ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। देखिए डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं डेवलपमेंट्स में हम ये लेकर आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता, जो डेवलपमेंट्स कर देते हैं उनका नाम ही पता नहीं होता कि डेवलपमेंट हुई कहाँ से। बंदा ढूंढ रहा होता है कि ये कौन है जिसने ये चीज बनाई, ये कौन था जिसने जो है वो इस चीज इसमें ऐड कर दी, किसी का पता ही नहीं ये कहाँ से चीजें होती हैं और कहाँ से ये मामला सामने आ जाते हैं। बच्चे भी जो है वो मेंटली तौर पर इस वक्त डिप्रेशन है, जाहिर है, और आप यकीन करें स्टूडेंट्स में एंजाइटी बढ़ रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही, उन पे सिर्फ ग्रेड जो है वो लागू कर दिए जाते हैं कि अपग्रेड होने के लिए आपने ए लेना है, ए प्लस लेना है, बस इस पे जो है वो फोकस्ड है। आपने अगर सी ग्रेड में आ गए या बी ग्रेड में आ गए तो फिर तो आपकी वैल्यूज ख़त्म हो जाएंगी, क्लास में इज्जत ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे बच्चे को जो है वो अप करने के लिए सबको एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं, वो एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते कि इसका ए ग्रेड आता है तो मैं इससे बात ही क्यों करूं कि ये मेरा ग्रेड जो है वो इसने छीन लिया। बच्चों की लड़ाई क्लास में इस चक्कर में होना शुरू हो जाती है, तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन टीचर्स की है। बिल्कुल है, जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। नबिया बिल्कुल बात आपकी ठीक है, टीचर्स की भी है, और दूसरा इनफैक्ट एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स हियर जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों को, अगर आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं, उनको आपस में कंपेयर मत कीजिए। यस, उन बच्चों को अपनी फैमिली के बच्चों के साथ भी कंपेयर ना कीजिए, बिल्कुल ना करें। हर बच्चा अपनी एक यूनिक जो है वो अपना जेनेटिक जो है अपना स्ट्रक्चर लेके पैदा हुआ है, अल्लाह से पैदा हुआ है। अगर वो सुनने में अच्छा है तो वो हो सकता है लिखने में अच्छा ना हो। बिल्कुल। आपको एज अ पेरेंट, एज अ मदर एंड एज एन ECE टीचर, वो टाइम ही ये 2-3 साल का होता है जिसमें आप बच्चे का नेचुरल रुझान देखते हैं कि किस तरफ आता है। सही। और स्कूलिंग जब वो फॉर्मल में आ जाता है, ग्रेड वन से जब वो फॉर्मल स्कूलिंग में आ जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कन्फाइंड हो जाता है। सो दोज अर्ली ईयर्स, आपको पता है हम तो मुसलमान तो बिलीव करते हैं कि जी माँ की गोद जो है वो पहला मदरसा होती है। सही बात है। जिसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो माँ जिसने उस टाइम में बच्चे की एक पर्सनैलिटी शेप करनी है, क्योंकि दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली घरों का माहौल कुछ ऐसा है कि हम 2.5 से 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, विच आई वॉन्ट टू रियली हाईलाइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जिस बच्चे को हमने जो बनाना है
उसको हम स्कूल के हवाले कर देते हैं। सही। स्कूल हवाले करते हुए हम ना स्कूल की फिलॉसफी, ना उसका विजन, ना मिशन, कुछ नहीं पूछते कि भी आप मेरे बच्चे को क्या बनाने लगे हैं। वो सिर्फ दीवारों पे या उनके बोर्ड्स पे लिखा होता है। एग्जैक्टली, वी वांट एग्जैक्टली। और वो टीचर बाजू का तो स्कूल के टीचर को भी नहीं पता होता कि मैं क्या पढ़ा रही हूं, तो मेरा मैं व्हाट एम आई विजन क्या है। सो ये पेरेंट्स, अब ये हुआ कि 2.5 साल 3 साल का बच्चा स्कूल चला गया, अब क्या हो रहा है कि इंस्टेड माँ बच्चे को बताए ये करो, वो स्कूल जाके टीचर से पूछ रही है मुझे बताएं इसको मैंने क्या करना है। क्या करना है? सही बात। कैन यू, देर इज अ पॉइंट इन इट दैट वो माँ जिससे आप, जिसको आप पढ़ी लिखी माँ लेके आए हैं, जी डॉक्टर बहू लेके आने हैं, जी इंजीनियर बहू लेके आनी है, जी बैंकर बहू लेके आनी है, फाइन, और ला के आप उससे क्या करें, जिस टाइम पे उसको अपनी इस तालीम को इस्तेमाल करके उस बच्चे का स्ट्रक्चर बनाना है, आपने उसे किचन के मामलात में या घरेलू मामलात में या व्हाटएवर, आपने उन सोशल मसाइल में उसको फंसा दिया एंड फिर इसको कहा जाओ स्कूल जाओ, इसकी टीचर से पूछो कि इसको कैसे हैंडल करना है। नाउ दैट टीचर इज़ हैंडलिंग 30 to 35 स्टूडेंट्स, आपके बच्चे को दिन में अगर एवरेज अपना इंडिपेंडेंट टाइम भी दे तो 2 से 2.5 मिनट देगी बस। इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट द मदर कैन गिव। एग्जैक्टली। तो व्हाई नॉट वी एम्पावर द मदर्स एट होम एटलीस्ट एट दिस स्टेज। आई एम नॉट सेइंग डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, बट एटलीस्ट स्टे इन टच विद देम, स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड इफ यू थिंक देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू क्वेश्चन, गो एंड क्वेश्चन द स्कूल कि भाई आप ये मेरे बच्चे को ऐसे क्यों करवा रहे हैं। स्कूल में टीचर को या प्रिंसिपल को पूछते हैं या एक्टिविटी पे बच्चों की नज़र रखते हैं या वो टीचर्स को कहते हैं कि इनकी एक्टिविटी हमारे साथ शेयर करें, उन पेरेंट्स से जो है ना वो टीचर और प्रिंसिपल खायफ होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी स्कूल हैं कि ये क्या बार बार जो है वो आके बीच में जो है वो ये कहते हैं हमारे बच्चे को ये करें, हमारे बच्चे से ऐसे, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ की तरबियत नहीं है। That's why हम प्रॉब्लम में हैं। हम स्कूल की तरफ से भी प्रॉब्लम में हैं, वालदैन अपने बच्चों की तरफ से भी प्रॉब्लम में हैं, बच्चे को भी समझ कुछ नहीं आ रहा। एक अफरा तफरी का आलम है जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट का बोर्ड बैठना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसमें आप जैसे तमाम पढ़े लिखे वो डिसेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि हमारे मुल्क की नेशन को, हमारे आने वाले बच्चों को ट्रेंड करने के लिए वो सिलेबस, वो करिकुलम एक्टिविटीज़, वो चीज़ें, वो सारा इंट्रोड्यूस करवा सके कि जो आज के और आने वाले वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है, जहाँ मेरा जो आइडिया है, बाकी आप बेहतर समझती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जिस वक्त स्कूल के लिए आप एडमिशन के लिए आते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स अब हैं जो कि पेरेंट्स की एक ओरिएंटेशन रखते हैं। बिल्कुल। जिसमें उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए उनको इन्वॉल्व किया जाता है ये बताने के लिए कि हम अगर ये कर रहे हैं स्कूल में तो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, देर आर रिसर्च इज सपोर्टिंग इट। अभी तकरीबन 1 महीना पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एक ऑनलाइन वेबिनार हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के सिनेरियो, स्पेशली आफ्टर कोविड और एकेडमिक्स की बात की थी। तो देवर सर्टन वेरी शॉकिंग फैक्ट्स के, जैसे आप हमारा पड़ोसी मुल्क देख लें इंडिया, कोरोना ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डेवस्टेशन की एंड पीपल आर डिस्टर्ब, बट स्टिल एज पर दैट कॉन्फ्रेंस दे मेंशन कि जी एक तो ये इंडिया ने जो है 1500 हेल्थ यूनिट्स जो है वो डेवलप करे ऑल ओवर इंडिया। इनका अपना पर्सनल गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2 सालों के अंदर अंदर हर इंडियन जो है वो वैक्सीनेट हो जाए। ऑल्दो कि इट इज़ अ वेरी कह रहे वेरी ये भी तो एजुकेशन है ना, ये भी exactly. तो एजुकेट कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक तो ये कि इस चीज़ को टारगेट दिया कि जी 2 नहीं तो 4 साल के अंदर अंदर एवरी इंडियन शुड बी गेट वैक्सीनेटेड, प्लस दे आर स्ट्रिक्टली एंड टोटली फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बिकॉज वो ये सोच रहे हैं कि आज से 10 साल बाद जब ये बच्चा इस उस सोसाइटी का हिस्सा बनेगा जहाँ पे ये नॉर्म्स बन चुके होंगे कि किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करना, बस गैजेट पे बिजी रहना है, तो उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अभी से उस पे यू नो दे आर वर्किंग ऑन दैट, दे आर वेरी क्लोजली फोकस्ड ऑन दैट। हमने क्या काम शुरू किया? हम तो अभी यही लड़ रहे हैं कि जी उर्दू में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए या सिंगल नेशनल है, सिंगल नेशनल करिकुलम का वर्ड तुमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें सिंगल का वर्ड ऐड क्यों करना पड़ा? क्या आपने फिनलैंड का सिस्टम, जिसके बारे में आजकल काफी लोग बात कर रहे हैं, जी फिनलैंड में तो किताबें भी नहीं होती, ये नहीं होती, भाई सोचने की बात ये कि फिनलैंड इतने सालों की रिसर्च के बाद उस लेवल पे पहुंच गया है और उसका हर सिटीजन
उस करिकुलम के मुताबिक इतना ज़्यादा ट्रेन हो चुका है कि वही जो बात माँ कह रही है वही स्कूल कह रहा है। सही। सो उनके बच्चों को आप अपने बच्चों के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, जर्मनी के साथ, जापान के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते। सही। जापान के स्कूल की करिकुलम का हिस्सा है कि बच्चे सुबह आएं, स्कूल साफ करें, जाते हुए स्कूल साफ करें। कैन वी इमेजिन दैट? हमारे यहाँ अगर एक टीचर किसी को कह भी देगी क्लास साफ करो तो वो उसका एक वो वीडियो वायरल हो जाएगा और जनाब वो टीचर की क्लास कॉल हो जाएगी। वेयर आर वी गोइंग? हम बिल्कुल देख किसी और तरफ रहे हैं और मुड़ किसी और तरफ रहे हैं और चाहते हम कुछ और हैं। सो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज टीचर्स के साथ साथ स्कूलों के साथ साथ ये उन पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नबीहा आपकी भी है, बिल्कुल है। नबीहा मेरी भी है, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, हमारे दाएं बाएं भी बच्चे हैं। ऐसा ही है। अगर हमें नहीं पता कि हम इसको किस तरफ, हम स्मार्टफोन तो ले लेते हैं, हमें पता होता है जी इसका भी व्हाट्सएप पकड़ूंगी तो खोल दूंगी, उसका भी फेसबुक यूज कर लूंगी, मुझे पता चल जाएगा। सही, बिल्कुल सही। बट वाई नॉट द चिल्ड्रन? वाई आर वी नॉट अवेयर कि हमारे बच्चों को आगे मुस्तकबिल हमने क्या दिखाना है? सही, उनको सही. हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? ऐसा ही है। दे आर टोटली लूजिंग इट एंड दिस इज वेरी वेरी डिप्रेसिंग। ऐसा ही है। और ये डिप्रेशन जो है ना, ये लेवल बढ़ता जा रहा है, Absolutely. कम नहीं हो रहा। Absolutely. हम इसको बढ़ा रहे हैं अपने माशरे में। Bilkul. उसकी सबसे बड़ी और ख़ास वजह ये है कि जो हमारी माएँ हैं ना, हमारे जो देखने वाले लोग हैं, हमारे जो ऑडियंस है, उनको हमें इतने आम फहम सादा अल्फाज में समझाना पड़ता है कि आप यकीन करें कि शायद मुझे ये कोशिश करनी पड़ती है कि मैं कहीं से वो जुमले या वो चीज़ें जो है वो आम फहम उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ कि शायद कोई अपने आप को चेंज कर ले, शायद कहीं से कोई ऐसी जो है, क्योंकि देखने वाले ऑडियंस हमारी वो है कि जिनके साथ अगर हम पढ़ा लिखा प्रोग्राम करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या, हमें क्या बताया क्या जा रहा है। उन्होंने टीवी चैनल चेंज करके साइड पे हो जाना है। Absolutely. लेकिन जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी अपनी सादी लैंग्वेज में बात हो रही है जिसमें वो समझ सकते हैं, तो वो फिर उस टीवी चैनल से हटेंगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है और लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद और आप जैसे काबिल लोगों को बुलाने का मकसद यहाँ ये होता है कि हमारी वो माएँ, वो यंगस्टर माएँ कि जो ट्रेन नहीं है, जिनको पता नहीं कि अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, या वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जी, बीए कर लिया, अच्छा जी एमए किए हुए लोग भी यहाँ पर जब ज़्यादा पढ़े लिखों में कंसीडर नहीं हो रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं, आप बता रही हैं एक टीचर का हाल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। एक नहीं, बहुत सारे लोग, वही रट्टा सिचुएशन, रट्टे से या देखभाल के जो है वो कहीं से जो है वो डिग्रियाँ ले ली लेकिन तरबियत उसका फुकदान रहा। तरबियत जो हमने अपने बच्चों को देनी थी, उन्हें समझाना था, अलिफ बे पढ़ा दिया, ए बी सी पढ़ा दी, वन टू पढ़ा दी, इसी पे पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, हमने उन्हें ये नहीं बताया। हमने उन्हें अलिफ बे की तरतीब के बारे में तोड़ जोड़ सिखा दिए, जोड़ तोड़ सिखा दिए, लेकिन हमने जोड़ना नहीं सिखाया, सिर्फ तोड़ना सिखाया। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक अलग प्लेटफॉर्म है, आप उसमें डेवलपमेंट्स कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, एक बंदे के सामने आने से फ़र्क नहीं पड़ता, और हैंड टू हैंड ये चेंज चाहिए ऐसे, ऐसे जिसमें सब लोग मिलके काम करें और हम उन बच्चों को भी अच्छा मुस्तकबिल देने में कामयाब हो जाएं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये कोशिश ही होनी चाहिए। हाँ, आज के प्रोग्राम का मेरा मकसद तो यही है कि आला हुकाम तक ये बात पहुँचे कि सिलेबस हो, सबके लिए एक जैसा हो, किसी ने जो है वो कोई इंग्लिश मीडियम या कोई उर्दू मीडियम ना हो। ये जो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम का कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हम जो है वो आपसे अपील भी करते हैं, सीएम साहब से, पीएम साहब से, इस प्रोग्राम के थ्रू, और स्पेशली जो है वो रिक्वेस्ट भी है कि ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके सबको एक जैसा मीडियम दिया जाए, सबके लिए एक जैसी बात की जाए, सब बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करें, ताकि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है ये चेंज करके हम बच्चों को एक स्टैंडर्ड पर डील करें, तभी हमारी नेशन आगे जा सकेगी, तभी हम दुनिया में कामयाब हो सकेंगे। वरना ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में घुल के अवाम भी ज़ाया हो रही है, बच्चे भी ज़ाया हो रहे हैं, मुस्तकबिल भी ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए अभी लेटेस्ट जी, अभी इन प्रोसेस डेवलपमेंट्स का, जैसे आपने ये सिंगल बात की कि इसमें सिंगल का वर्ड यूज़ किया गया, इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें है क्या, इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें सबके लिए कुछ पॉजिटिव क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ स्ट्रीम ऑफ स्कूल्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ठीक है। यानी पाँचवीं का बच्चा एक अच्छे स्कूल का और एक पब्लिक स्कूल का आपस में कम्पीट कर सके। ठीक है। सोसाइटी में एजुकेशन इक्वल फॉर ऑल होनी चाहिए। ठीक है, फैसिलिटी कोई स्कूल जो है वो अपने बच्चों को एसी प्रोवाइड कर सकता है, उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं, फाइन फाइन। उसको बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइन।
लेकिन वो बच्चा जो किसी पब्लिक स्कूल में या किसी आम छोटे प्राइवेट स्कूल में है, वो बच्चा अगर एक लो कॉस्ट प्राइस की बुक बिकॉज ऑफ द मटेरियल अफोर्ड कर सकता है, तो कम से कम जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जिसके ऊपर उसको असेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर ही इज़ बिकमिंग समबडी, कम से कम उसका लेवल और उसकी क्वालिटी जो है वो इंश्योर्ड हो कि वो बच्चा कहीं पे अपने आप को मिसफिट ना समझ सके। सही। हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखिए जो आपके यंगस्टर तबका है इन देयर लेट टीन्स एंड अर्ली ट्वेंटीज, जिससे भी आप बात कर लेंगे थोड़ी कॉन्वर्सेशन के बाद, वो कहेगा जी मैं तो सोसाइटी में मिसफिट हूँ, मैं तो इस सोसाइटी में मिसफिट हूँ। ऐसा ही है भाई, आप इसलिए मिसफिट हैं कि अगर आपकी मदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आई टेक पंजाबी, अब पंजाबी का जो है हमारे स्कूलों में सख्ती से दाखला मना है। सही। हम कोई लिटरेचर अपने बच्चों को पंजाबी में कोई चीज़ नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते। ठीक है, आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी अदर प्रोविंसेस, हाँ केपी की बात करूँगी, केपी में ऐसे लोग हैं जो कि पश्तो फरावानी से बोल सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट रीड पश्तो बिकॉज दे थिंक रीडिंग पश्तो इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, उनकी क्योंकि टेक्स्ट बुक्स उस तरह की नहीं है, उनको वो उनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उस तरह नहीं पढ़ाए जाते, सो दे फाइंड इट हार्ड टू स्टडी इन पश्तो। अब पॉइंट ये है कि इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल ठीक। द मोर वी एक्सपोज आर चिल्ड्रन टू लैंग्वेजेस, द मोर दे आर गोइंग टू बी बेटर लर्नर्स। यही जरूरत है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो बाइलिंगुअल, जो कम से कम दो जुबानें बच्चे बोलते हैं, वो सिंगल जुबान वाले बच्चों से मेंटली तौर पर ज्यादा शार्प होते हैं, बिकॉज दे नो मोर वोकैबुलरी एंड दे कैन कम्युनिकेट बेटर। सो इन बच्चों को जिनके आप घर से पंजाबी बोल रहे हैं, स्कूल में उर्दू या इंग्लिश बोल रहे हैं, they are exposed to different languages. उनको पता है कि पानी को मैंने इंग्लिश में क्या कहना है, मैंने पंजाबी में क्या कहना है, this is their strength. लेकिन अगर जब आप एक चीज़ उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से पंजाबी में आना पड़ा है, जब तक वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं चला जाता, let it be. सही बात है। अगर टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है, टीचर ने उर्दू में समझाया है, नहीं समझाया, कम से कम घर में माँ तो इतनी लिटरेट हो कि उसको पंजाबी में समझा दे कि बेटा इसका मतलब ये है। सही बात है। ताकि जब बच्चा उसको करने लगे तो उसके दिमाग में वो कन्फ्यूजन्स का वो जत्था ना हो कि भाई ये मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, तो टीचर कुछ और कह रही है। एक ही चीज़ है, उसको उर्दू में कुछ, पंजाबी में कुछ, इंग्लिश में कुछ वर्डिंग होती है, लेकिन एक चीज़ अगर आप समझ जाएं कि ये है यही चीज़, इसके ये मीनिंग्स है या इसके ये नेम्स हैं, बिल्कुल वो आसान हो जाता है। जब तक आप किसी बात का या किसी भी कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर लेते, पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, वो ऊपर ऊपर आपके नॉलेज में तो पड़ा रहता है, बट व्हेन यू टेल देम टू इम्प्लीमेंट इट और डू समथिंग, दे आर अनएबल टू डू। तो थ्योरी का भी उतना ही रोल है जितना प्रैक्टिकल का रोल है। सो जितना जल्दी आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ लाएंगे, कि अगर बच्चे से कह रहे हैं बेटा खाना खा लिया, अपनी प्लेट उठा के सिंक पे रख दो, दैट इज आल्सो लर्निंग, इट इज नॉट अ शेम कि काम वाली आएगी तो उठाएगी, तुम यही छोड़ के चले जाओ। सिखाते हैं हम बच्चों को, ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा आपने काम नहीं करना, आप मेरे घर के बच्चे हैं, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, वो सब सबको मैनेज करना, उनको बताना, जब उन्होंने खाना खा लिया है, खाने की प्लेट जाके किचन में रख के आए, आपने किचन से उठा के जो है वो प्लेट लेकर आकर टेबल पे रखनी है, कोई यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए नहीं है कि जिसने यहाँ पर पहले आपको खाना लगा के देना है, आपको पता होना चाहिए आपको पानी चाहिए तो आप पानी का इंतज़ाम पहले से टेबल पे जो है वो रखें। ये देखिए, ये एजुकेट करना है जी, बच्चों जी, को जी। आप एजुकेशन देंगे, एजुकेट करना सिर्फ यही नहीं होता कि वो किताबें पढ़ लें और जो है वो किताबों को रट्टे मार लें और फिर डिग्रियाँ ले लें, ये उनको किसने बताना है कि अगर उन्होंने कपड़े उतारे हैं और नए कपड़े पहने हैं तो वो पुराने कपड़े उनको कहाँ पर रखने हैं। बिल्कुल, वो वहीं बेड पर फेंक के, वही चीज़ें फेंक के जो है वो चले जाते हैं, और ये आते हैं आपको बड़े होते तक पड़ी रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और खासतौर पर लड़कों को तो माएँ वैसे कहती हैं ना कि नहीं, जो बहनें घर में हैं वो भाइयों का काम कर दें, और जो क्यों, क्योंकि हमने बचपन से उनको ऐसे ही एजुकेट किया। देखिए अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे जब सास किचन में काम करते करते थक जाती है तो वो बहू ले आती है, वो अपना एक सब्स्टिट्यूट ले आती है। ठीक है कि जी अब ये खाने पका के वो देगी, वो बहू के लाने का मकसद यही होता है कि घर के काम करेगी। तो एज अ नेशन हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल स्कैटर्ड हैं, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। ऐसा ही बहू देखने जाएंगे, पढ़ी लिखी चाहिए जी, डॉक्टर चाहिए, जिसने लाखों लगा के, गवर्नमेंट ने करोड़ों लगा के उसको डॉक्टर बनाया है कि वो सोसाइटी की सर्विंग कर सके, आपने ला के उससे रोटियां गोल पकवाने का क्वेश्चन किया कि तुम्हारी रोटी गोल क्यों नहीं है। भाई अगर आपको गोल रोटी चाहिए तो आप कोई और रिसोर्स अरेंज कर लें या गिव हर टाइम, बट मेन फोकस टू हैव अ पढ़ी लिखी बहू इन द हाउस इज to have पढ़े लिखे and developed children. Yes. Main focus आपका ये होता है।
तो ये कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑल एवरीबडी इन द सोसाइटी हियर, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हियर, कि प्लीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ को सीधा कर लें, बेहतर कर लें, इम्प्रूव कर लें, क्योंकि कल को इन्हीं बच्चों ने खड़े होकर कहना जी आपने हमें तो यही सिखाया था। हाँ, और अभी गुजरते टाइम के साथ साथ नबिया आप भी देख रही होंगी कि इस वक्त हमारी लाइफ्स कितनी बिजी हो चुकी हैं कि हम अपने एडल्ट्स को टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे। सही बात है। तो सोचेंगे जब हम उस स्टेज पे होंगे और इस भगदड़ की लाइफ में ये जो थोड़ा थोड़ा सा एसेंस हम उनको बीइंग ह्यूमन का अगर उनमें नहीं छोड़ते तो सही, हमारी सही। दफा में क्या होगा, क्या होगा। अच्छा, बच्चे ये देख रहे हैं ना? बिल्कुल देख रहे हैं बच्चे, ये देख रहे हैं कि बड़े जो है पीछे से वाजे लगा रहे हैं और हम जो है वो अब हम भी क्या करें। बिल्कुल, इतना फास्ट जो है वो दौर हो गया है कि जहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत ही नहीं है। एब्सोल्युटली, अगर आपने जो है पैसा कमाने की दौड़ में आप भी शामिल नहीं होंगे तो फिर आपके बच्चे अच्छा मुस्तकबिल हासिल नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, आप भारी फीसें अदा नहीं कर सकेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होगा, आपका घर अच्छा नहीं होगा, आपके घर में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तो लोग जो है वो सौ सौ बातें करेंगे, ये तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए। कि लोग क्या कहेंगे तो हमारा लाइफ का मोटिव है ना। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ही है। गवर्नमेंट का काम है हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सेफ्टी प्रोवाइड करना, अगर हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इतनी स्ट्रेंथन हो कि ये बेसिक नीड्स वो दें ताकि हम दूसरी तरफ चीज़ों की क्वालिटी के ऊपर भी सोच सकें। अभी भी हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि जी हमने ये स्कूल लेना है, वो स्कूल लेना है, इसकी फीस वैसी, इसकी फीस ज़्यादा है, पहले खुद हम ले जाते हैं फिर कहते हैं जी, बिकॉज वी आर कन्फ्यूज पीपल, वी आर कन्फ्यूज नेशन, वी डोंट थिंक, वी डोंट प्लान, वी डोंट लुक, वी डो नॉट हैव दैट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कि आज से पाँच साल बाद आप क्या करोगे, क्या करें? अब आप अच्छी प्लानिंग ही कोई नहीं है। एग्जैक्टली, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए जाएं तो वो आपसे सबसे पहले ये सवाल करते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? बिल्कुल ठीक, पहला क्वेश्चन ही होता है, ऐसा ही है। वेल, द चिल्ड्रन ऑफ दीज डेज कैन नॉट इवन स्पीक फॉर द नेक्स्ट 5 minutes। पाँच साल का उन्होंने कब सोचा है? हाँ, उनसे ये पूछ लो सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया, या वीकेंड पे क्या खाने का प्लान करना है। हाँ? वो उनका मेन कंसर्न ये, कोई विजन ही नहीं है, विजन नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली, वी आर विजनलेस पीपल एंड द मेन रीजन इज दैट वी आर नॉट ट्रेन्ड दैट वे, क्योंकि देखिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का में मदीना में ट्रेनिंग्स दी लोगों को, तो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। So if you want to see a culture and a social and an emotionally intelligent child at home, start working yourself on it. बिल्कुल, क्योंकि ये आप अगर आप स्कूल पे छोड़ देंगे, स्कूल विल डू इट्स ओन पार्ट, जो उससे अपना हिस्सा करना है करना है, बट स्कूल इज 5-6 hours a day एंड द रेस्ट ऑफ द डे द चाइल्ड इज योर्स। तो ये आपका बच्चा है, आप इसके बारे में अपफ्रंट हो, डिसीजन मेकिंग करनी है तो रिसर्च बेस्ड कीजिए, फैमिली बेस्ड ना कीजिए कि जी चूंकि सारे डॉक्टर हैं तो आप भी डॉक्टर बनो, मे बी वो म्यूजिशियन बनना चाहता हो, मे बी वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो, मे बी एग्जैक्टली, लेट द चाइल्ड फ्लरिश फॉर द पर्पज ही इज मेड फॉर, बिकॉज अल्लाह ने इस दुनिया के बारे में हमें तस्खीर करने का हमें हुक्म है, हमें ये है कि इल्म हासिल करो, इसलिए पढ़ो अल्लाह के नाम। तो अल्लाह मियां ने हवा, पानी, फल फूल पत्थर आवाज़ें, इतनी जो चीज़ें बनाई है, हर स्किल को किसी बच्चे में डाला होगा तो वो उस पर फोकस करेगा ना। जो साउंड पे फोकस करेगा वो साउंड पे रिसर्च करेगा, ऐसे ही है। जो हेल्थ पे फोकस करेगा वो हेल्थ पे रिसर्च करेगा। हमारे कितने काबिल बच्चे जो है वो हमने यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बेकार कर दिए, बिल्कुल क्या कि वो बनना कुछ चाहते थे लेकिन जबरदस्ती माँ बाप की जो है वो पीछे से नहीं जी आपने ये नहीं बनना, आपने ये बनना है, उस वजह से जो है वो बेचारे मेंटली भी डिस्टर्ब, फिजिकली भी डिस्टर्ब, और जो है वो अपनी स्टडीज की तरफ से भी डिस्टर्ब होकर कोई एंजाइटी पेशेंट में बन गया, कोई डिप्रेशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। ये चीजें हमारे माशरे में बढ़ती जा रही हैं। यंग बच्चों में जी डिप्रेशन का क्या काम, क्या काम, लेकिन छोटे से बच्चे में भी जो है वो छोटे से बच्चे में डिप्रेशन है, और गैजेट्स की वजह से उनका माइंड इतना तेज चलता है कि वो हर 2 मिनट के बाद बोर होने लग जाते हैं। जी, हमें बचपन में नहीं पता था कि बोर क्या होता है, हम तो बस वो 5 मिनट का टॉम एंड जेरी देखते थे और उसके बाद बाहर निकल गए और वहाँ पे हो जाते थे। हाँ, हैप्पी हो जाते थे, दरख्तों पे चढ़े हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आजकल के बच्चे घर के अंदर बंद हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है। हमारे पास बचपन की यादें हैं, हम जब कजन्स बैठते हैं तो याद करते हैं, यार याद करो हमने वो शरारत की थी, वो की थी। हमारे बच्चों की क्या यादें होंगी, आओ तुम मेरा स्क्रीन देखो, मैं तुम्हारा स्क्रीन देखता हूँ, एंड दैट्स इट। बस, वेयर आर दोज गोल्डन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड? आज सिर्फ हम सेल्फी जो है वो दिखा सकते हैं ना दूसरे को, बस। आपको याद होंगे वो जो कोडेक का कैमरा आता था, हाँ, उसकी तस्वीर के इंतजार में हम दो महीने लगाते थे कि ये रील कम वक्त खत्म हो। बचपन ऐसा था, हाँ, वो बचपन। देयर वाज पेशेंस,
वी डू नॉट हैव पेशेंस, हमें इसी वक्त ही सेल्फी चाहिए, हम 150 सेल्फियाँ लेके उसमें से दो फिल्टर कर लेते हैं। हमें याद है वो 30 फिल्मों की वो पिक्चर थी, बाज़कात उसकी एक्सपोज हो गया, पूरी की पूरी रील ख़राब हो गई, पूरा ट्रिप आपका वॉश आउट हो गया। हमारे बच्चों में वो पेशेंस नहीं है, दे कैन नॉट इवन वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। नो, एक घर में मोबाइल होता है तो घर में कितनी चींचा मची। अब अगर 10 बच्चे हैं घर में तो 10 मोबाइल चाहिए, बिकॉज़ एवरी चाइल्ड हैज टू स्टे बिजी। आप यकीन करें इस वक्त में जो मेरे घर में बच्चे हैं ना, जब मैं घर में एंटर होती हूँ मेरा मोबाइल कहाँ गायब होता है मुझे पता नहीं चलता। ये मैं आपको अपने घर की बात बता रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके बाद मैं ढूंढती फिरती हूँ कि किस बच्चे के पास मेरा मोबाइल है, प्लीज़ मुझे मोबाइल दे दो। इतनी कॉल्स, इतना काम करना होता है, लेकिन हमें बिल्कुल बच्चे जो है वो फिर उनको डांटना पड़ता है या उनको समझाना पड़ता है और वो इस पर नाराज़ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे घर में एक अफरा तफरी का आलम होता है। अब मैं भी ये सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि एक एक बच्चे का जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग मोबाइल फ़ोन जब तक नहीं होगा घर में तब तक मेरे मोबाइल की जान नहीं छूटेगी। तो ये हम इस सिचुएशन में आ गए, क्या करें? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम क्या करें। हमने अपने बच्चों को रियल लाइफ जो है उसका वो चेहरा दिखाना छोड़ दिया। सही बात, रियलिटी बेस्ड बच्चों की हमारी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। हाँ। हमारे बच्चे गैजेट बेस्ड डेवलप हो रहे हैं, स्क्रीन बेस्ड डेवलप हो रहे हैं, आर्टिफिशियल बच्चे, आर्टिफिशियल, एग्जैक्टली आर्टिफिशियल बच्चे डेवलप हो रहे हैं। इसके लिए नबिया हमें नॉट फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, हमें नेशनली ये बात सोचनी है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इस वक्त आप एक बेसिक होमवर्क कह लें, वो हमने कोरोना के उस लॉकडाउन में देखा कि जब आप घर के अंदर कन्फाइंड हो गए तो आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें चाहिए थी जी, एक बिजली, एक पानी, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और सेफ्टी। बिल्कुल सही, ठीक है जी। इसके बाद जो इसके अलावा इस बाउंड्री के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लेविश लाइफस्टाइल में आती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहना, मेरे ख्याल है पूरा एक साल कोरोना में ना तो हमने अच्छे कपड़े खरीदे ना पहने, बिकॉज पहन के कहाँ जाना था। तो जिंदगियाँ गुजर गई ना, एग्जैक्टली, और गुजर रही हैं। तो हमने अपनी अगर हम इस चीज़ को एज अ नेचर चेक कहें कि हमें अगर ये पता हो कि हमारी प्रायोरिटी ये है, ओके, गुड एजुकेशन, गुड फूड, सेफ्टी एंड शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। हमने हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो चीज़ों से जोड़ दी है। मुझे वो ब्रांड की नई जो है वो वॉल्यूम का सूट बुक पहले करवाना है, वरना किसी और ने पहन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हमारे ये वो बच्चे हैं जो ये घरों का ये माहौल देख रहे हैं। आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो सेल का दरवाज़ा खुलता है एंड दोज वुमेन दे अटैक और वो चीज़ों की खींचातानी करती हैं। अब इन बच्चों को हम क्या बता रहे हैं कि मैं ये अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो What will be the result? जाहिर है। हमारी माओ ने दो दो जोड़ों में जो है वो सीजन गुजारे ऐसे ही, और हमें अच्छी तालीम दी, जैसी भी उनकी फैसिलिटी थी उसमें उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी, हमें तरबियत दी, हमें पेशेंस सिखाया, हमें फूल पत्ते पौधे हवा ताज़ा इन चीज़ों के बाद इन चीज़ों से हमें जोड़ा। बिल्कुल, हम अभी भी नेचर लवर हैं। चंद दिन अगर हम पार्क में ना जाएं या पौधों के साथ बात ना करें, एग्जैक्टली, हमें सुकून नहीं मिलता। हमारे बच्चे उस चीज़ से बिल इवन के घर में अगर प्लांट्स ना हो या ग्रीनरी मौजूद ना हो तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं है। आज हमारे बच्चों को इन प्लांट्स की बारे में पता ही नहीं, उनको पानी देना या उनको, लेकिन ये चीज़ें जो सिखाते हैं उनके बच्चे वैसे ही ट्रेंड होंगे। ऐसे ही जो नहीं सिखाते उनके बच्चे जो है वो फिर गैजेट लवर हो जाते हैं और वो फिर तो देखिए ये ट्रेनिंग किसने देनी है? ये हमने देनी है, हम एडल्ट्स ने देनी है। मैं शुरू से अपनी सारी कॉन्वर्सेशन में इसी चीज पे एम्फसाइज करी हूँ कि प्लीज डू नॉट लीव इट टू द स्कूल। स्कूल्स अपने हिस्से का कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट लेट देम फ्लरिश। अगर टीचर स्कूल में असाइनमेंट दे रही है कि बेटा घर जाओ आज आप एप्पल खाओगे तो उसके सीड को कप में लगाना, अगर वो घर आके कह रहे हैं कि मैंने ये करना है तो फिर करवाए उसे, माए साथ दें, बाप साथ दें, पूछें कि बेटा ये करना है एंड लेट द गुड, खुशी से साथ दें, हाँ, खुशी बना के साथ ना दें, एग्जैक्टली। छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स ज्यादा यही कंप्लेन करते हैं कि जी ये क्या किया, रंग करके आगे और उछल कूद करके आगे, तो सीखा क्या? सीखा भाई, यही उसका सीखना है। छोटे बच्चों को ऑपरेट कैसे होना है, उनके बॉडी मसल्स, उनके फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उनकी साइको डेवलपमेंट कैसे करनी है। मेंटल हेल्थ जितनी जरूरी है ना हमारे यहाँ, हम उतना ही मेंटल हेल्थ से दूर भागते हैं। उसका फुकदान है, जी फुकदान है, बिल्कुल। हम कहते हैं जी जिसको मेंटल हेल्थ की जरूरत है या जिसको कोई मेंटली थोड़ा सा कोई मशवरे की भी जरूरत है ना, वो भी पागल हो गया। हाँ, और हम तो सबसे पहले ऑफेंसिव हो जाते हैं।
हम तो सब, दादा भी डिप्रेशन में, बाप भी डिप्रेशन में, बेटा भी डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन की एक चेन चली जाती है बिकॉज आपका बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर दादे ने बाप को डांटा तो बाप डेफिनेटली आके बेटे को डांटेगा, और बच्चा अपने छोटे भाई को डांटेगा या बहन को डांटेगा। डांट के लेवल्स जो है वो हाई होते जाएंगे। हाँ जी, दादा के डांटना बाप को, और बाप का डांटना बच्चे को, और बच्चे का डांटना आगे बच्चे को, वो लेवल्स जो है वो हाई हो जाते हैं। तो जिस बच्चे को आपने ट्रेनिंग दी उसने तो कमाल ही कर दिया ना, उसने तो लेवल सारे क्रॉस कर लिए। बिल्कुल, फिर हम कहते हैं लो इतना तो कभी दादा ने गुस्सा नहीं किया, इतना तो कभी वाले साहब ने गुस्सा नहीं किया जितना ये बच्चा कर रहा है। इसलिए क्योंकि उसके होते हैं, उसके इमोशंस भी और उसके जो बॉडी के केमिकल्स हैं वो दादाजी से बहुत ज्यादा है अभी, बिकॉज वो उस एज में है, उस स्टेज में है जिसमें तो उसने लिया आपसे। एग्जैक्टली। अब अगर बच्चों में कोई टैंट्रम का एक टेन्योर आता है, बिकॉज बच्चों को हम इमोशनल भी तो नहीं सिखाते ना। हाँ। हमारे यहाँ ये जरा सा बच्चे ने जिद किया तो बाप भी चीख रहा है, दादा भी चीख रहा है, चुप करा इन्हें, चुप करा। हाँ। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएं, आप देखिए वहाँ पे बच्चे पे ऐसा कोई टेंट्रम आता है तो बाप, दादा, माँ उसको कहते हैं बेटा वहाँ बैठ जाओ, जितना रोना है रो लो, जब वो आपका सारा वो निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निकल जाएगा, देन कम टू अस, देन वील टॉक टू यू, वी विल नॉट टॉक टू यू। अब वो बच्चा आधा घंटा रोएगा, दो घंटे रोएगा, उसके बाद जब उसके एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएंगे, वो नॉर्मल मेंटल लेवल पे आएगा, एंड देन ही और शी विल बी रेडी टू लिसन। जरा सा बच्चे चीखने शुरू करते हैं, सब शुरू हो जाते हैं, उससे ऊंचा ज्यादा शुरू हो जाते हैं, इसको क्यों मारा, इसको क्यों डांटा। जब इस तरह के जुमले डिलीवर होते हैं ना, तो वो बच्चे के जहन में बैठ जाते हैं कि ओ मेरे रोने से जो है वो सब एक जगह इकट्ठे होकर जो है वो मेरी कोई साइड ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, मम्मा को डांटा जा रहा है या बाबा को डांटा जा रहा है, बड़े इस तरह कर रहे हैं, तो वो बच्चे ना और ज्यादा शेयर हो जाते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है अब तो हमारे पास ये चीज आ गई है। तो भैया मेरा ख्याल है कि जो करिकुलम हम स्कूलों में दे रहे हैं वो पेरेंट्स के लिए भी हमें करिकुलम डिजाइन करना चाहिए, टू हाउ टू डेवलप योर चाइल्ड इनटू अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ गैजेट जो है ना, वो एफिशिएंट मशीन नहीं होना चाहिए। जरूरी है चीज है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू भैया, लाइकवाइज सेम हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम खास आपके लिए, हमारी यंगस्टर उन माओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को भी ट्रेन करना है, आगे सिखाना है कि आने वाले मुस्तकबिल में उन्हें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। जब हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत घर से स्टार्ट करेंगे तो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वो अच्छे ही निकलेंगे। और अच्छी चीज़ें तरबियत से आती हैं, तालीम से इंसान सिर्फ आरास्ता हो सकता है, तालीमी याफ्ता हो सकता है, लेकिन तालीम और तरबियत, जिस तरबियत का फुकदान हो चुका है उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, अपने बच्चों में ऐड करें, ताकि ये ज़रूरी तरीके से हम अपने पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल कर सकें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान को इजाज़त दीजिए, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।